मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता, और मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि किसी झगड़े की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए निर्णय लेता है, और फिल्म सिटी बनाने का निर्णय एक ऐसा ही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, मनोरंजन की एक ऐसी दुनिया जिसकी कि मांग बहुत समय से स्थायी एक नगरी की मांग चली आ रही है, उसका निर्माण हो। और चुनाव कोई आसपास भी नहीं, तो ये कोई चुनावी मुद्दा भी नहीं है, ये मुझे लगता है सोची बिल्कुल समझी बहुत समय से चली आ रही एक मांग है। मनोज जी आपको बताएंगे कि करीब 10-15 दिन पहले मनोज जी घर आए थे, और हमारी उनसे उस दिन भी बातचीत हुई विवेक अग्निहोत्री जी से, तो हम लोग 15-20 दिन से इस पर चर्चा कर रहे थे कि ये होना चाहिए। संयोग है कि ये इस समय ये समाचार आया है, तो आप इसको महाराष्ट्र से जोड़ के देख रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, नेपोटिज्म की जो आपने मुझसे सवाल पूछा, यदि नेपोटिज्म वाकई होता तो आज कानपुर से राजू जी ने अपने दम पर अपना अपना एक मुकाम बनाया है, अपनी हस्ती बनाई है। मनोज मुंतशिर जी ने बनाया है, अमिताभ बच्चन जी ने बनाया है। मुझको भी, मैं सच बताऊं, मुझे यहाँ से वहाँ बुलाकर, कभी प्रीतम जी हों या जब भी किसी फिल्म के लिए मुझे गाने के लिए बुलाया गया है, तो हम लोगों को यहाँ से वहाँ काम दिया गया है, बुलाया गया है। नेपोटिज्म पूरी तरह से यह ज्यादती करता है उत्तर प्रदेश बिहार के कलाकारों से, मैं इसको नहीं मानती। लेकिन दूसरी बात बिल्कुल सच है कि झोला टांग कर घर छोड़ कर के मुंबई जाकर संघर्ष करना वाकई जीवन को एक दांव पे लगाने जैसा है। वो एक सुंदर विकल्प देने का प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप अपने नागरिकों के लिए जब तक विकल्प नहीं देंगे तो वो तो जाएगा ही माया नगरी। तो ये विकल्प देने का आज एक काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसका मैं निर्णय का स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है हमारा देश इतना बड़ा है, जिस तरह तेलुगु फिल्में बन रही, जिस तरह तमिल फिल्में बन रही, याद है आपको एक समय ऊटी में कितनी फिल्में बनती थी, इन फिल्मों के निर्माण में मुझे नहीं लगता कि हिंदी फिल्मों के निर्माण से मुंबई के निर्माण में कोई अंतर आ जाएगा, सिवाय इसके कि स्थानीय टैलेंट को बल मिलेगा, लोग यहाँ पे आकर्षित होंगे, यहाँ पे निवेश करेंगे, यहाँ की वो प्रतिभाएं, विशेष रूप से स्त्रियां और महिलाएं जो शायद जा नहीं पाती, सिर्फ सपने देखती हैं। और उत्तर प्रदेश में, यदि नोएडा में लगता है, तो मुझे लगता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बहुत बड़े एक भूभाग को भी साथ, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सबके लिए एक बहुत सुंदर अवसर है कि सब ये मान करके चलें कि जैसे मुंबई है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अब एक बहुत ठोस विकल्प हमारे सामने आ रहा है। और रोहित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि सूर, कबीर, तुलसी, खुसरो, रैदास, महादेवी वर्मा, फिराक, जिगर और प्रसाद निराला की जो धरती है उत्तर प्रदेश, हिंदी और उर्दू की धरती है उत्तर प्रदेश। यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली ने न जाने कितने आज 70 साल में हमें याद करने लायक गाने दिए हैं, कहानियाँ दी हैं। आप गंगा जमुना की बात करें, मैं तो मदर इंडिया से लेकर के आमिर खान साहब की बनी हुई लगान की भी बात करें, शूटिंग भले भुज में हुई लेकिन लखनऊ से ही केपी सक्सेना साहब गए और उन्होंने अवधि में डायलॉग लिखे, क्योंकि जब आपको मुंबई में बैठ करके हिंदुस्तान का एक गांव दिखाना पड़ता है तो आप उसमें बोली और डायलेक्ट जो है अवधि लेते हैं। ये मदर इंडिया से लेकर के स्वदेश तक भी जब बनाई आशुतोष गवारीकर जी ने, तो केपी सक्सेना जी अवधि में उसमें गांव जो दिखाया गया उस गांव की परिकल्पना अवधि डायलेक्ट्स की थी। तो जहां की भाषा, जहां की कल्पना में आपको उत्तर प्रदेश दिखता है, वहां पर एक इंडस्ट्री का स्वागत करना चाहिए। जी, आप लगातार आवाज उठाती रही, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी आप जानती हैं, 65 फिल्मों को सब्सिडी मिली उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब शूट किया, तो सब्सिडी मिलने का मतलब कि सरकार दिल खोल के खड़ी थी कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं यहां पर, अगर आप यहां आकर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो 3 साल बाद अचानक योगी सरकार अगर उस समय यह ऐलान करती है अरुण बख्शी जी कि हम उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाएंगे, जिस समय आए दिन टीवी चैनल पर यह बहस हो रही है कि बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में तो ठेकेदारी चलती है, बॉलीवुड में तो फर्स्ट फैमिली है, सेकंड फैमिली है, ये ही लोग तय करते हैं कौन स्टार बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो बख्शी जी ये सवाल तो उठेगा ना कि भाई इससे क्या नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा, इससे क्या वो वंशवाद की झगड़े खत्म हो जाएंगे जिनको लेके आप बार बार सवाल उठाते हो। बख्शी जी, सर मैं आपको एक बात बोलू, हमको तो पता ही नहीं है नेपोटिज्म है क्या, ये कहां बिकता है, हमने तो फाइट करना सीखा है। देखिए, आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, I have done 150 to 175 films and as a singer, I have done 323 songs in films. Nepotism सामने अगर विकराल खड़ा भी हुआ है, हमने कभी परवाह नहीं की है सर, with due regards. ये, लेकिन ये जो चीज है बहुत अच्छी हो रही है, कलाकारों को एटीट्यूड चाहिए,
ये जो नेपोटिज्म है उखड़ के दूर चला जाता है सर, जब टैलेंट आता है, टैलेंट का एक अपना ही फ्लो है। यहाँ पे जितने लोग हैं सबने बहुत स्ट्रगल की हुई है सर, वर्बों से काम नहीं होगा, इट हैज टू बी अ प्रैक्टिकल थिंकिंग। उनको एक्सपर्टीज चाहिए वहां के कलाकारों को। सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने घोषणा करने के बाद आपने इतना बड़ा ये एपिसोड क्रिएट किया है, इसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और जो हमसे भी सीनियर हैं रजा जी हैं, एंड ये चीज जो है एक्सपर्टीज चाहिए वहां के लोगों को सर। और मैं आपको और बात बताऊं, 6 महीने पहले की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है, और ये 6 महीने और चलेगा। अभी इट इज अ रेनेसेंस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, इट इज अ रीडिस्कवरिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप कितना भी पहले का साहित्य बोल लीजिए, बट प्रैक्टिकल थिंकिंग इज वी हैव टू गिव एक्सपर्टीज टू द पीपल राइट ओवर देयर। वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो हर तरह का जो डिपार्टमेंट है।